सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस बार का जो ब्लॉग है वो बना रहे हैं हम काजा के लिए। तो अभी हम निकल रहे हैं काजा के लिए। कल हम आए थे हमीरपुर से और यहाँ पे रुके थे हम रामपुर में। कल ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था क्योंकि कल थोड़े से हैक्टिक डे था, थके हुए थे सारे। तो यहाँ रामपुर में एक आगे नया ही होम स्टे टाइप बना हुआ है, तो यहाँ पे एकोमोडेशन काफ़ी सही है। तो अभी इसका शायद नामकरण हुआ नहीं है, तो इसका भी नामकरण होगा तो उसके बाद मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको अपने इस ब्लॉग में कि आप कहाँ स्टे कर सकते हैं यहाँ पे। और एक साथ में तीन रूम है यहाँ पे जहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो अभी निकलेंगे चितकुल के लिए, फिर चितकुल से वापसी में जाएंगे रिकांगपियो या स्पीलो। फिर आज का स्टे वहीं होगा और कल का अपना जो ट्रैवल है वो रहेगा ताबो होते हुए अपना काजा के लिए। फिर कल का स्टे भी काजा में है, उसके बाद मतलब दो दिन का स्टे काजा में ही करेंगे। तो अभी निकलते हैं। और एक और जो इस ट्रिप पे जो एक समस्या ही है, क्योंकि एक जो गाड़ी का स्टार्टर है वो ख़राब हो चुका है, उसका ऑर्डर प्लेस हुआ हुआ है, तो गाड़ी धक्का स्टार्ट ही करनी पड़ रही है क्योंकि सडन ही प्लान बना था। ऐसा कुछ प्लान था नहीं काजा जाने का, तो सडन से ही कल मॉर्निंग में कॉल आया था आयुष का कि हाँ ऐसे से ट्रिप बन गया है तो चलना है। तो वो रही गाड़ी नीचे, अभी देखें इसको धक्का। और ये रही थार, तो ये रहा गुरखा और उधर पीछे है थार। और मौसम वैसे कल तो पूरी धूप थी और आज है थोड़े से बादल इकट्ठे हो चुके हैं और शायद ऊपर एरोप्लेन भी जा रहा है यहाँ कहीं, वो पीछे हल्का वाइट स्पॉट जो है पट जा कर रहा है, शायद ले वाला होगा ये, क्योंकि स्पीति में तो कोई गाड़ी नहीं है। पूरी सेटिंग कर रहे हैं, बैग के ऊपर रखा नहीं है सामान, अंदर ही एडजस्ट हो गया था। और अभी चाय वगैरह देखते हैं, यहाँ पे चाय वगैरह पी के निकलते हैं और आगे ब्रेकफास्ट आगे ही करेंगे। वैसे ढाबा तो है बट खाने पीने का कुछ देखना पड़ेगा, या ब्रेकफास्ट नहीं आगे करना, ब्रेकफास्ट भाई जी। नाम क्या है इसका, नाम क्या रखा है अभी रखा है? अभी नाम रखा, अच्छा अभी नाम नहीं रखा हुआ है ना। हाँ मतलब यहाँ पे रेड क्लिफ लैब है। लाल बात भी इधर ही है ना, तो लाल बात और रेड क्लिफ लैब है यहाँ पे, उसके ऊपर ये स्टे है। ये जो आपके गीजर वाले है ना, स्टे अभी नया ही है, उद्घाटन ही हमने किया था, अभी नामकरण भी नहीं हुआ है इसका जो बता चुका हूँ मैं अभी। अरे देखिए बादल। तो दोस्तों सामान भी पैक कर लिया है। हेलो दोस्तों, तो अब हमने सामान पैक कर लिया है छत के ऊपर, कल आती बार अंदर ही था सारा सामान। तो और ये साथ में सारे भाई हैं अपने, इनका नाम है कार्तिक। हेलो। और इनका नाम है नितिश, वैभव एंड विवेक। तो ये सारे भाई हैं अपने साथ और बाकी भाई खड़े हैं कार में सामान पैक कर रहे हैं। तो अभी मैं इनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको। ये भाई अपने अत्री भाई। हेलो। और ये भाई भाई इंट्रोड्यूस करो, ये सूर्य भाई है अपने। और ये इसको तो जानते होंगे, इसको तो देखा हुआ है और वीडियोस में भी, ये पीछे बंदा, ये थार वाला बंदा अपना, ये और वीडियोज़ में भी देखा ही होगा इसको स्टंट मारते हुए थार जिप्सी के साथ, आयुष। तो अभी करेंगे गुरखा को धक्का स्टार्ट। और ये सारे अपने स्कूल जो जिसमें मैं पढ़ा हूँ डीएवी में, उसी में पढ़े हुए हैं सारे। तब धक्का लगाते हैं गाड़ी को, स्टार्टर ख़राब है क्योंकि गाड़ी का। ये यहाँ के ओनर है जहाँ हम ठहरे थे, बहुत हेल्प कर रहे हैं।
अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज करके भीमाकाली टेंपल की तरफ आ गए थे सराहन में जो है। तो ये पीछे देख सकते हैं आप मंदिर, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। और ये पीछे पहाड़ियाँ भीमाकाली मंदिर के बैक साइड में, और अभी जाएंगे मंदिर में दर्शन करने। और ये देखिए पीछे क्या व्यू है, ऊपर पूरे बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ है, और गाड़ी यहाँ पे हमने खड़ी कर दी हुई है। और ये शायद ये पार्किंग रिनोवेशन का काम चला हुआ है यहाँ पे। तभी जाएंगे मंदिर और उसके बाद हम निकलेंगे चितकुल के लिए, ब्रेकफास्ट भी अभी करना है। तो पहले मंदिर जाते हैं उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। ऐसे एंट्री की थी और ये है मंदिर परिसर, ये है भीमाकाली मंदिर। अब देखिए बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है इसको, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की यहाँ के लोगों में। और यहाँ से नज़र आते हैं श्रीखंड महादेव जी भी, ये बिल्कुल जो पहाड़ियाँ हैं इन दोनों के बीच में, ये सामने ये श्रीखंड महादेव जी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। और ये रहा मंदिर, बहुत ही सुंदर। अरे सारे अपने भाई लोग, और उस तरफ म्यूजियम भी है, काफी प्राचीन वस्तुएं वहां पे रखी हुई। और यहाँ से एंट्री है दोस्तों, ये बाहर वाला परिसर है मंदिर का। ये देखिए ऊपर कलाकारी कैसे की हुई है, पत्थरों के ऊपर पूरी लकड़ी की नक्काशी करी हुई है, बहुत ही सुंदर बना रखा है। और ये है इसकी हिस्ट्री, भीमाकाली मंदिर सराहन की। तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पॉज करके। अब निकलते हैं चितकुल के लिए। आगे बंदे सारे की अभी अंदर ही हैं।